आदाब आदाब आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल हैं जी? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है आपकी। भाई आज का दिन जो है ना, वो हमने एक खास अंदाज में, एक खास हवाले से आपके लिए सजाया है। खास तौर पे जो हमारा शो है वो भी पूरे पाकिस्तान की तरह आज यकशहती का इजहार करेगा अपने कश्मीरी बहन भाइयों से। आप सभी को मालूम है आज 5 फरवरी है, और हर साल पाकिस्तान में ये दिन हम डेडिकेट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट में रहने वाले उन तमाम बहन भाइयों को कि जिनकी नस्ल दर नस्ल वो पैदा ही उस कॉन्फ्लिक्ट जोन में हुई, उसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जिंदगी गुजारती, उसी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की ख्वाहिश में ही बहुत सी नस्लें आगे से आगे चली गई। तो आज हम ब्रेकफास्ट एट होम में कुछ खास अंदाज में यौम यकजहती कश्मीर मनाएंगे, और आपको हर सेगमेंट में कुछ उस हवाले से फ्लेवर देंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट के एरिया में रहते हुए जिंदगी को बनाना, चलाना, जिंदगी करना क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या दुश्वारियां होती हैं, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को आप एक्सपीरियंस किस मकाम पे आके किस हवाले से नहीं कर पाते क्योंकि आप एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया के अंदर पैदा हो गए। और ये कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, क्या इसका कोई हल है, नहीं है, इस हवाले से हम अपने मेन सेशन में भी बात करेंगे, और साथ ही साथ मेरे क्लास फेलो एसएमए भी आपके लिए सजा के लाए हैं कश्मीर की क्यूजीन के हवाले से, कश्मीर के खानों के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जिसको मैं बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आप सभी को मालूम मैं एक फूडी हूँ, और दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी खाने की बात हो मैं फौरन उधर मुतवज्जे हो जाता हूँ। तो आज हमारा जो कश्मीर के खाने हैं जो कि बहुत ही लजीज, बहुत ही जुदा, बहुत ही मुनफरद क्यूजीन है, उसकी रेसिपीज बिल्कुल फ़र्क होती हैं, उस हवाले से ऐसे में हमें कुछ ब्रीफ करेंगे, कुछ उस पर बात करेंगे। एंड ऑफकोर्स आज हमारा जो रेगुलर सेगमेंट होता है आज के दिन, वो मीना तारिक सजा के लाती हैं हमारे उन टीनेजर्स के लिए, हमारे उन नौजवानों के लिए जो आजकल सोच रहे हैं कि जिंदगी में क्या करना है, प्रोफेशनली कौन सा प्रोफेशन इख्तियार करना है, जॉब होगी, एंटरप्रेन्योरशिप होगी, अपना कारोबार करें, खानदान के कारोबार को आगे चलाएं, कि नौकरी कर लें, पढ़ाई, क्या, ये सब चीज़ें हमारे पास लेकर आती हैं मीना तारिक, जो कि एक एक्सपर्ट हैं एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस की और करियर्स की, और इनका सेगमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर जा रहा है। सो मीना भी होंगी, तो ये सब है जनाब हमारे पास आपके लिए आज के इस स्पेशल एपिसोड में जो कि 5 फरवरी के हवाले से हमने ब्रेकफास्ट एट होम पे सजाया है। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आज प्रोग्राम के आगाज में एक ऐसी शख्सियत से जिनसे आप रोज मिलते हैं, कोई नई बात नहीं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम काशिफ, क्या हाल है? तुम्हें कैसा लगा कि मैंने तुम्हें देखा और मैं खुश हुआ आज बहुत अरसे के बाद? कैसे आप, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। जब पीली जराबों के साथ जो पीला डंडा मैच हुआ है ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, और बस हो गया है। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब अर्ज है। आज का जो हमारा वर्कआउट है तौसीक भाई, उसके हवाले से बात करते हैं। आज का जो हमारा वर्कआउट है वो फुल बॉडी वर्कआउट है। इसकी टेक्निक जो है, हमने जो वर्क है वो 30 सेकेंड्स तक करना है, और हर वर्जिश की हरकत 30 सेकंड तक करने के बाद 30 सेकंड का आपने रेस्ट लेना है, यानी कि सुकून की हालत में जाना है। और हम इसमें 5 एक्सरसाइजेज मेरी कोशिश है कि हम करेंगे, टाइम की मुनासिबत से हम करेंगे, और वार्म अप आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। मौसम जो है ठंडा है तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप वार्म अप अच्छे तरीके से नहीं करते, जल्दी में फटाफट वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं, जिम जाके या कहीं पर भी, पार्क में हैं या घर पर हैं। तो शुरू करते हैं हम पहली एक्सरसाइज से। अच्छा जी, पहली एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं हम लोग। ये डंडा जो था ये सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए ये स्टाइल था, ये स्टाइल कर रखा है, मैं कह रहा हूं कोई एक्सरसाइज शुरू किया। हां जी चलें जी, ये क्या था जी? शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इस पोजीशन में आना है, और अपने हाथ प्लेसमेंट जो है करीब रखने हैं बिल्कुल, और जो पांव है पंजा ये हाथों के बराबर होना चाहिए। इसी के साथ ही आप दूसरा पांव ले आएंगे, और आपने इस फ्रॉग पोजीशन में आना है, ठीक है, मेंढक की पोजीशन में आना है, और यहां आना है। अरे वाह, चेस्ट को उठा के रखना है, कम सौखा नहीं भाई है, कम सौखा नहीं। 30 सेकंड्स तक इसको आपने करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी फॉर्म को वेरी नाइस, वेरी गुड, बट वेरी डिफिकल्ट। और ये हम आपको बताते चलें कि ठीक है आप इसको करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपकी कमर की कमर में बहुत ज्यादा लचक नहीं है तो शायद ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत दुश्वार हो। परेशान नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता करने, इस स्पीड से करने की फौरन कोशिश नहीं करनी जिस स्पीड से ट्रेनर काशिप कर। लेकिन आपको इसकी मॉडिफिकेशन बता देते हैं कि आप इसको आराम से कैसे कर सकते हैं। ये किया और आराम से ऐसे आइए,
जो मेरी पेस थी, जो स्पीड थी, इससे पहले मुख्तलिफ थी, अभी थोड़ा सा आप स्लो करेंगे, बिल्कुल आराम से, ठीक है। इसको आपने, इसके लिए काशिफ कितना ज़रूरी है कि घर के पास जो पार्क है या घर के लॉन में आप ये एक्सरसाइज करने से पहले एक्चुअल मेंढकों को जाके ऑब्जर्व करें? ये मेंढक आपके सामने, इसको ऑब्जर्व करें अच्छे तरीके से। अब वो किसी दूसरे मेंढक को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए, तेज से सांस लीजिए, रीसेट कीजिए और लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। हैवी डंबल्स मेरे पास पड़े हैं 16 किलो और टोटल मिला के, और साथ में लाइट डंबल्स भी हैं। आपकी चॉइस है, अपने आपको पुश कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, हैवी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लाइट से हमें कर लाइट से मैं कर रहा हूँ। ओके जी, शुरू करते हैं। इस पोजिशन में आएंगे, पुशअप पोजिशन में यूँ होंगे एंड ऑल द वे रेज क्रॉस, ठीक है। आपने बैलेंस करना है ऑल द वे रेज। अगर आपसे बैलेंस नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, ये ठीक है। दोबारा से आप डंबल पे आएंगे पुशअप पोजीशन पे। आप देखिए पुशअप पोजीशन यूजली हमारी ये होती है, लेकिन इस तरह इस दफा मुनफरिद और मुख्तलिफ है। नीचे गए, कंट्रोल किया, दूसरा बाजू, ये नीचे हाथ रखा, कॉम्बिनेशन है, फोकस है, कोई जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल आराम आराम से ठहर ठहर के एक एक स्टेप को एंजॉय करके माइंड मसल कनेक्शन बना के रोटेट किए टोज, पंजों पे आए। दोबारा से आखिरी दफा बता रहा हूँ आपको, आराम से नीचे गए, ऊपर आए, अगर डंबल से बैलेंस नहीं हो पा रहा, नीचे हाथ किए, यूँ रोटेट हुए, यूँ टच किया, वापस आए, घुटनों पे आ गए। 30 सेकंड्स तक 4 सर्किट्स करने हैं, पानी पीते रहिए, सांस लेते रहिए। इसके बाद हमारी आखिरी एक्सरसाइज है, थोड़ी सी और इंटेंस है, लेकिन आपने फुल बॉडी वर्कआउट ट्राई करना है, मैक्सिमम कैलोरी बर्न, लेकिन साथ में हम स्ट्रेंथ पे भी काम कर रहे हैं। शुरू करते हैं 30 सेकंड्स वर्क। 30 सेकंड्स पे आखिरी एक्सरसाइज पे जाने से पहले चलें काशिफ हमें आप ये ज़रूर बताइए कि 30 सेकंड अंदाजे से भी किए जा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है और एक दफ़ा पहले भी मैंने शो में इसका जिक्र किया था कि मैं खुद से जब घड़ी को फॉलो करने लगता हूँ तो मेरा माइंड मसल कनेक्शन नहीं बन पाता। तो अगर मैं अंदाजे से 25-30 सेकंड के बाद उठ जाऊं, क्या ये मुनासिब है और मेरा माइंड मसल कनेक्शन बना रहे, वो ज्यादा जरूरी है, या वाकई एक घड़ी लेके उसकी सेकंड्स की सुइयों को फॉलो करना जरूरी है? देखिए, हम हमेशा टेक्निक की बात करते हैं। माइंड मसल कनेक्शन जो कंपाउंड मूवमेंट्स होती हैं, कंपाउंड मूवमेंट से मुराद है जिसमें आपके एक से ज्यादा मसल इन्वॉल्व होते हैं। उसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, जैसे हम लेट के चेस्ट प्रेसेस कर रहे हैं, तो इसमें मेरे बेसिकली, अगर मैं ये आपको दिखा दूं एक दो रेप्स करके, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये कंपाउंड मूवमेंट है। इसमें आपके चेस्ट का मसल इन्वॉल्व है, ट्राइसेप इन्वॉल्व है और शोल्डर इन्वॉल्व है। इसमें आपने रेपिटेशंस करनी है, ठीक है, और आप जो वक्त का दौरानिया है उसके भी कर सकते हैं 30-30 सेकंड, लेकिन ये कंपाउंड मूवमेंट है। इसमें आपका जो कनेक्शन बन रहा है, लेकिन फुल बॉडी जो वर्कआउट है, कार्डियो बेस्ड और स्ट्रेंथ बेस्ड जो मैं अभी कर रहा हूँ, इसमें आपको ज़्यादा फोकस माइंड मसल कनेक्शन में करने की जरूरत नहीं है। वर्जिश की जो हरकत है उस पर फोकस करना है और आपने बीट करना है अपने आपको हर वक्त। अच्छा, यानी इसलिए फिर वो सेकंड्स का जी की कैलकुलेशन ज़्यादा जरूरी है, मिसाल के तौर पे एक्यूरेट हो। एग्जैक्टली, जैसे कि पहले सर्किट में मैंने अगर 30 सेकंड्स में मैंने अगर 50 रेप्स किए थे, तो सेकंड सर्किट जब मैं स्टार्ट करूंगा और पहली वर्जिश की जो हरकत है उसको हो सकता है मैंने 51 टच करना है, 52 टच करना है, तो हमारा फोकस होगा कि हमारी इंडोरेंस जो है, थकान पे हम काम कर रहे होंगे, स्टेमिना पे काम कर रहे होंगे, स्ट्रेंथ और कार्डियोवैस्कुलरिटी। तो बहुत बड़ा ये बुके है, एक पूरा पैकेज है। इसी नोट के साथ आखिरी वर्जिश की हरकत जो है उसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद एब्स की दो एक्सरसाइजेस क्विक से मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इस सिचुएशन में आके आपको सांस बहुत ज़्यादा फूल चुका होगा, हो सकता है आपको बात करने में भी प्रॉब्लम जैसे मेरी तरह है होगी, लेकिन आपने जिम में बिल्कुल बात नहीं करनी। ये बात कहने का मकसद ये, आप जिम में जाएं या वर्कआउट करें तो अपने वर्कआउट पर फोकस करना है। शुरू करते हैं जी। आपने टाइमर लगाया 30 सेकंड्स का, लेकिन इसमें आपने 10 दफा हाई नीज करना है और आपने पुशअप्स करने हैं 10 दफा। ये हाई नीज हो गए, हाई नीज से मुराद है कि दोनों हाथों को रखें और कोशिश करें कि आपके घुटने जो है वो जाके हाथ को टच कर रहे हो। जी, मैं ज्यादा कर रहा हूँ ताकि आपको कैमरा दिखा सके अच्छी तरीके से, वैसे आपने 10 दफा करना है। Exactly. मैं ज्यादा कर चुका हूँ, ये हो गया, और आपने रेस्ट नहीं लिया, फौरन पुशअप्स पे 1 ब्रेक लिए बगैर
पुशअप्स करनी है अगेन इसके लिए आपकी फिजिकल फिटनेस आपको बहुत ज्यादा चाहिए काशिफ ऑब्वियसली ही इज अ प्रोफेशनल तो वो बहुत आसानी से हमारे सामने करके दिखा रहे हैं लेकिन आप अगर फिजिकली फिट अपने आप को महसूस नहीं करते और बीच में आपका सांस बहुत ज्यादा फूलता है तो ब्रेक ले लें बिल्कुल ले लें पानी साथ साथ पीते रहिए सांस लेते रहिए हमेशा से मैं कहता हूँ वर्जिश की हर हरकत हर फर्द के लिए नहीं होती है अपनी तबीयत अपनी सेहत के मुताबिक उसको मॉडिफाई करें मेरा मकसद होता है आपको फॉर्म्स एंगल्स और वेरिएशंस और वर्कआउट की टेक्निक से आगाह करना अगली जो हमारी एक्सरसाइज है साइड्स वेस्ट एरिया ओब्लिक्स जिसको लव हैंडल भी कहा जाता है उस पर हम काम कर रहे हैं फुल बॉडी वर्कआउट करने के बाद अच्छा आपका स्टैंस जो है टांगों का फासला जिसको कहते हैं इतना होगा इसमें लोग अक्सर गलती क्या करते हैं टांगे सीधी कर लेते हैं उससे क्या हो रहा है अगर आप टांगे सीधी करेंगे जब आप ट्विस्ट करेंगे घुटनों में दर्द निकलेगा बायोमैकेनिकल फोर्स यहाँ पे आपको तंग करेगी तो ये आपने नहीं करना लोग जाते हैं जिम में एक्सरसाइज का पता नहीं होता इंजरी हो जाती है दोबारा जाने का दिल नहीं चाहता नीज बेंड बैक स्ट्रेट चेस्ट अप कोर टाइट यानी कि पेट वाला एरिया और 180 ट्विस्ट करना देखिए मेरी लोअर बॉडी लॉक है बिल्कुल लॉक्ड है ये मैं अभी आपको स्लो मोशन में डेमोंस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ यहाँ 180 पूरा एंगल ये अब मैं आपको करके दिखाता हूँ करना कैसे लॉक किया वन सामने देखा टू थ्री ओके कोर टाइट यानी कि नीचे जो बॉडी का हिस्सा है वो बिल्कुल लॉक्ड रहेगा और ऊपर की बॉडी सिर्फ मूव करेगी जी और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट आपने साथ साथ रखना है सांस लेते रहना है ये ट्विस्ट हो रहा है और बायोमैकेनिकल फोर्स यहीं से रिलीज हो रही है यहां से होगी काम खराब होगा तो हमने काम खराब नहीं करना बहुत इंटेंस आज एक्सरसाइजेस थी और आखिरी क्विक एब्स के हवाले से इसी ऑब्लिक्स को हम ट्रेन कर रहे हैं फुल बॉडी के साथ फोकस हमारा फ्रंट पे नहीं है साइड्स पे है तो हम ऐसे खड़े होंगे टांगे जोड़ के कोर नाइस एंड टाइट सामने देखना है हाथ क्यों लेके आना है फुल फ्लेक्स करके यहां और यहां देखना है अब आपने टो को उठा के यहां लाना है नीचे जाएं फुल एक्सटेंशन ब्रीद आउट स्क्वीज स्क्वीज योर ओब्लिक्स इंटरनल ओब्लिक्स एक्सटर्नल ओब्लिक्स आप दोनों टांगे जोड़ भी सकते हैं मैंने एड़ी को इसलिए उठाया क्योंकि ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन बनेगी मजीद टेंशन बढ़ रही है तो और वजन अपनी कैपेसिटी के मुताबिक 8 किलो का इस वक्त ट्रेनर काशिफ ने उठा रखा है लेकिन आप पे डिपेंड करता है आप 5 किलो का भी बल्कि 2.5-3 किलो का वेट और आपने यूं गिरना नहीं है सीधा रहना है इस टांग को सीधा रखना है इसको यूं बेंड करें या ऐसे रखें कोई मसला नहीं है लेकिन आपने पीछे जाना है देखें स्ट्रेच हो रहा है स्ट्रेच हुआ पूरा ऑल द वे कोनी आपकी सीलिंग की तरफ है और इसको हिट करना है आपने इसी तरह से दूसरी साइड पर करेंगे और ये जो एब्स हैं ये भी आपने सॉरी ओब्लिक्स 30-30 सेकंड तक इनका दुरानिया है 4 सर्किट्स करने हैं पानी पीते रहिए और हमें बताइए फेसबुक पे कि हमें हमारा वर्कआउट आपको कैसा लगा फेसबुक पेज हमारा है ब्रेकफास्ट एट होम उसमें जाके आप इनबॉक्स कर सकते हैं ट्रेनर काशिफ और ट्रेनर तहमीना हमारे दोनों रेगुलर ट्रेनर्स हैं इनसे आपने कोई भी सवाल करना है और अगर आप ये भी चाहते हैं कि वो सवाल पे आपको पर्सनली इनबॉक्स में जवाब दे दें तो तहमीना और काशिफ रोज ही बहुत से साथियों को जवाब दे रहे होते हैं और हमें बहुत खुशी होती है जितने ज़्यादा आपकी तरफ से सवाल आते हैं इसलिए कि ब्रेकफास्ट एट होम की पूरी टीम का एक मकसद ये भी है कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूरी नहीं कि जिम के अंदर बल्कि घरों में भी आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल दें और अक्सर हम लोग डंबल्स और रॉड्स और इक्विपमेंट के बगैर बॉडी वेट के हवाले से एक्सरसाइजेस और ट्रिक्स भी आपको बताते रहते हैं तो ये जो हमारा सेगमेंट है बहुत ज़्यादा हमारे नाज़रीन में मकबूल है न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ऑनलाइन जहां जहां हमारा प्रोग्राम देखा जाता है ट्रेनर काशिफ थैंक यू वेरी मच हैव अ ग्रेट डे हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ऐसे में हमारे साथ मौजूद है और आज हमने कश्मीर की क्यूजीन वहां के खानों के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे में से लेनी है रही मेरे साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे मेरे क्लास फेलो एसएमए आज हमारे साथ मौजूद हैं
और आज आपको साथियों मालूम है कि यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, और उसी हवाले से हमने एसएमए को असाइनमेंट दी कि वो कश्मीरी खानों के हवाले से कुछ हमें तैयारी करके लाके प्रेजेंटेशन दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जो कश्मीरी क्यूजीन होती है उसमें जो ज्यादातर खाने होते हैं ना, वो ज्यादातर मीट के बने होते हैं। मीट बेस्ड ज्यादा जी, ज्यादा मीट बेस्ड होती है, और इनका ज्यादातर योगर्ट जो ग्रेवी होती है ना, ज्यादातर योगर्ट की बनी हुई होती है। हाँ, यानी के दही और गोश्त का इस्तेमाल खानों में बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा। ये दोनों चीजें मेरी फेवरेट है, मैं क्या करूं? ले एक एक चीज करनी पड़ेगी। अच्छा, नहीं आज ऐसी कोई डिश पिक करते ना जिसमें दही भी हो और गोश्त भी हो। भाई सबसे पहली डिश वही तो होगी। अच्छा, पहले दिखाई जी डिश कौन सी है? गोश्त। इसकी जो डिश होती है उसके अंदर जो इसके मीट होती है वो मटन कीमा होता है, इसको बनाते हैं, और ये कोफ्तों जैसी होती है। कोफ्तों की तरह होती है, और उसके रंग को भी देख के मुझे लग रहा है कि इसमें दही का इस्तेमाल भी होता है। बिल्कुल होता है। इससे जो ग्रेवी होती है ना वो योगर्ट की बनी हुई होती है। अच्छा ये बताएं एसएमए के जैसा गुश्ताबा जरा दोबारा दिखाइएगा जी। ये गुश्ताबा, अगर ये आप जैसा स्क्रीन पे अगर आप गुश्ताबा की तस्वीर देख रहे हैं और आपको भूख लगे तो क्या करना चाहिए? इंडिया जाना चाहिए, कश्मीर जाना चाहिए, और वहाँ पे बनाए। लेकिन आपको मैं मजे की बात बताऊं, ये सिर्फ इंडियन हेल्ड कश्मीर ही नहीं बल्कि जो पाकिस्तानी जो आजाद कश्मीर है उस साइड पे भी ये कश्मीरी डिशेस बनती हैं, बल्कि अब तो कराची, लाहौर, पिशावर, इस्लामाबाद सब बड़े शहरों में कश्मीरी क्यूजीन के रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पे पूरी वो लाइन है। तो अगर भूख लगे तो वहाँ जाना चाहिए और ऑनलाइन जाके रेसिपी बना के खुद पका के भी खाना चाहिए। और जैसे गोश्ताबा है, दिस इज यूजुअली मेड फॉर स्पेशल ओकेजंस, जैसे कि पार्टियां हो जाएं, शादियां। यानी बड़ी मेहनत से बनता है, ये खास डिश है। जी, काफी मेहनत से बनता है। जी, अगली डिश पे चलेंगे जी। जी, रोगन जोश। रोगन जोश। ये कश्मीर की सिग्नेचर डिश है। एंड दिस डिश इज लो फैट। वाह, ये ट्रेनर काशी और ट्रेनर तमीना को फौरन बताना चाहिए, और मैं फैसल मूवी वाला को, है ना। वो हर वक्त इस तीनों इसी के चक्कर में होते हैं कि लो फैट खाने खाएं हम। तो रोगन जोश खाएं जी। और जो इसका मीट होती है वो लैम मीट होती है। और दिस इज यूजुअली ईटन विद राइस और नान। यानी दुम्बे का गोश्त इसमें इस्तेमाल होता है, और ये चावल के साथ भी खाया जा सकता है, नान के साथ भी खाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक जी। आज ये सारी डिशेस ऐसे में आपको इसलिए बता रहे हैं कि आज आपने इनमें से कोई एक डिश सेलेक्ट करनी है और पकानी है और खानी है। बिल्कुल 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 जी। ये है जी कश्मीरी मधुर पुलाव, कश्मीरी राइस जी। दिस इज अ स्वीट बेस्ड डिश, दिस इज अ स्वीट बेस्ड राइस डिश, ठीक है। दिस कंटेन्स, इसके अंदर नट्स होते हैं, शुगर होती है, और जाफरान भी होता है। अच्छा, और ये है पुलाव जी, यानी मीठा पुलाव। मीठा पुलाव, ये मुझे लगता है जर्दे और पुलाव के दरमियान की कोई चीज है ना। बिल्कुल। और मैं वैसे ना बचपन में काम किया करता था, आज मुझे ख्याल आ गया, मैंने अब बड़े होके छोड़ दिया, क्योंकि जब हम बड़े होते जाते हैं तो आपको सोसाइटी ऐसे में बताने लग जाती है कि ये यू नहीं, ये यू नहीं, ये यू नहीं। मैं बचपन में क्या करता था कि जब घर में पुलाव पकता था और जर्दा, तो पुलाव और जर्दा मिक्स करके अम्मी से छुप के खाते थे हम दोपहर को, जब अम्मी सो जाती थी। पुलाव और जर्दे को मिक्स करके खाएं, बहुत मजे का आइडिया है। लेकिन मुझे लगता है कि मधुर पुलाव भी कुछ इसी तरह की चीज़। जी, मगर जो जाफरान कश्मीरी राइस में होता है वो उसकी वो मेन है, उसकी मेन स्पाइस जाफरान है। जाफरान है, बिल्कुल ठीक जी। लैम यखनी आ गई। लैम यखनी, ये इसको लैम करी भी कहते हैं। ये भी योगर्ट में, ये भी इसकी जो ग्रेवी होती है वो योगर्ट की बनी हुई होती है, ठीक है। और इसका जो मेन फ्लेवर होता है ना, दैट इज बेस्ड ऑन द मवार फ्लावर। अच्छा, यानी उस फ्लावर का एसेंस उसके अंदर उसकी फ्रेग्रेंस आती है जी। वाओ, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट दिखाएं जी, स्लाइड कौन सी है? एपेटाइट सही जमा दिया। दम आलू। दम आलू, जो कश्मीर में ज्यादातर डिशेस होती हैं वो मीठी होती है, मगर उनमें से एक बहुत फेमस डिश है दम आलू, जिसके अंदर काफी मिर्चे भी होती हैं, और इट्स ओनली मेड ऑफ वेजिटेबल्स। अच्छा, इस पे जो ये ग्रीन गार्निशिंग इसकी हुई है ना, मुझे लगा धनिया ऊपर। ओए होए होए, सीन ऑन है जिगर आज तो। दम आलू का मैंने सिलेक्ट कर ली भाई आज की डिश। अच्छा वैसे कंप्लीट हो जाए फिर तुम्हें अपना, लेकिन तुमने गेस कर लिया, मेरा तो वोट अभी तक दम आलू पे है। नहीं, आप गोश्त भी, आप गोश्त। मगर दम आलू के तो पास रहते थे एक चीज, दिस इज कुक विद योगर्ट एंड जिंजर, और इसके जो स्पाइसेस होती हैं दे आर वेरी हॉट। अच्छा, यानी कि मिर्चीला होता है। मिर्चीला, बिल्कुल। उसके बाद आप गोश्त, दिस इज आल्सो मेड विद माइल्ड स्पाइसेस, इसके अंदर ब्लैक पेपर्स होती हैं,
और ज्यादातर राइस के साथ खाया जाता है। काली मिर्च इसमें ज्यादा इस्तेमाल होती है और चावल के साथ खाया जी। सारी डिशेज हो गई जी। एक और डिश तो नहीं कह सकते मगर ड्रिंकिंग की चीज कह सकते हैं कि पीने की कश्मीरी चाय, इसमें ज्यादातर नमक डाला जाता है पिंक कलर की कश्मीरी चाय। यस यस यस। लेकिन इसको ना यहाँ पे मैंने देखा है कि उसको उसमें चीनी डाल के भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आज हमारी जो मेहमान है अभी कुछ देर में जिनसे आपके मुलाकात करवाने जा रहे हैं शाइस्ता सफी, जो कि एक कश्मीरी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है और अब पाकिस्तान में रहती हैं, पीटीवी न्यूज पे एंकर भी है, उनको आज हमने बुलवाया। तो ऐसे में तुमने आइडिया अच्छा दिया, आज मैं उनसे पूछूंगा कि कश्मीरी चाय असल में मीठी होती है कि नमकीन होती है। वैसे मुझे ना जाती तौर पे नमकीन, अच्छा नहीं मुझे नमकीन पसंद, मुझे नमकीन पसंद, लेकिन आज हम उनसे पूछते हैं कि ज्यादा ऑथेंटिक कौन सा है और उनसे ये भी पूछेंगे कि ये सारी डिशेज आज ऐसे मैंने बताई उनकी फेवरेट डिश कौन सी। वैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, पता कौन सी? दम आलू इज माय फेवरेट। मेरी तो होगी गोश्तावा। चलें देखते हैं कि शाइस्ता सफी की कौन सी फेवरेट डिश है। तो जनाब ये सारी कुजीन आपको बताने का ऐसे में कर मेरा मकसद ये था कि आज आपने इनमें से कोई एक डिश सेलेक्ट करनी है, अब बनानी है खुद घर में घर बनानी नहीं है, बनानी है और खानी है। और ब्रेकफास्ट एट होम की टीम इंतजार कर रही होगी कि आप हमें फेसबुक पे बताएं कि आपको आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। पिक्चर्स भेज कर बतानी है, पिक्चर फूड सेल्फीज, फूड सेल्फीज। ऐसे में थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, वंडरफुल प्रेजेंटेशन। हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूर या ब्रेक, और ब्रेक के बाद मीना तारिक हमारे साथ है। मीना तारिक बहुत इंटरेस्टिंग हवाले से बात आज करने जा रही है कि जब आपको बताना मीना तारिक एक्सपर्ट है, ट्रेनर है इन स्मॉल बिजनेसेस, इन जॉब्स, इन करियर्स। आज वो हमें बताने जा रही हैं कि जब हम कोई कारोबार शुरू करते हैं तो पैसा क्यों डूब जाता है, वो कौन सी चीजें जिनका हम ख्याल नहीं रखते और पैसा डूब जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रही मेरे साथ, अभी आपको मीना से मिलवाते हैं। ब्रेकफास्ट एट होम के सच पे हमारे जो मकबूल तरीन सेगमेंट्स हैं उनमें से एक मीना तारिक का है कि जिसमें मीना जो कि एक एंटरप्रेन्योरशिप और करियर्स की एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर हैं, रिसर्चर हैं और ख़ासतौर पे पाकिस्तानी इस वक्त जो यंगस्टर्स हैं लड़के और लड़कियां वो किस तरह से अपने सही जॉब मार्केट के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, इस हवाले से सेगमेंट से जाके लाती हैं। आप लोग बहुत ज्यादा इसको फॉलो करते हैं और इनके लिए सवाल भी भेजते हैं। मीना गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। हमने आज का जो टॉपिक है उसको बड़ा सोच समझ के आपके मुख्तलिफ फीडबैक की रोशनी में सजाया है और आज का टॉपिक साथियों ये है कि पैसा क्यों डूब जाता है। ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। हम इतनी एक्साइटमेंट से बिजनेस शुरू करते हैं और साल बाद छह महीने बाद पता लगता है गया पैसा। बिल्कुल। अब आप जरा बताएं ऐसा क्यों होता है और इसका क्या हल है? ठीक है, सो अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें इससे पहले कि हमने लास्ट टाइम क्या बात की थी। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि आइडियाज कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, हमने चार डिफरेंट तरीके डिस्कस किए थे। आइडिया पहला ये कि आप अपने पैशन से शुरू करें, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट हो उसमें देखें अपॉर्चुनिटी क्या है। दूसरा ये कि आप अपनी सोसाइटी में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें जो लोगों को मसला हो और उसके लिए कोई सोल्यूशन क्रिएट करें और वो एज अ बिजनेस सोसाइटी को पेश करें। तीसरा ये है कि आप ये देखें कि सिमिलर कम्युनिटीज़ में और सोसाइटीज़ में कौन से बिजनेसेस हैं जो बहुत पॉपुलर चल रहे हैं, उनमें आप इनोवेशन लाएं, तब्दीली लाएं, कोई नयापन लाएं और उसको अपनी कम्युनिटी के लिए लॉन्च करें। और चौथा ये है कि आप कोई नई तख्लीक करें, कोई साइंटिफिक ईजाद करें, कोई नई चीज़ क्रिएट करें। सो ये चार तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम आइडिया ला सकते हैं। ठीक है, ये तो अच्छा रिकैप है। बिल्कुल, अब आपके पास आइडिया आ गया। आ गया। पैसा तब डूबता है जब आप अपने आइडिया को लेकर फौरन जल्दी से अपना सारा पैसा उसमें लगा के कोशिश करते हो कि फौरन से पहले बिजनेस लॉन्च करते हैं। अच्छा, सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करने के लिए एक चीज है, सिर्फ एक चीज जो जरूरी है, उसको कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। प्रोडक्ट मार्केट फिट जी, आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी चीज है जो आपने बनाई है, ठीक है, वो जिस मार्केट में आप उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं ना,
उस मार्केट के लिए वो फिट होना चाहिए। मेरी प्रोडक्ट है, अगेन एक दिन पहले मैंने इसकी मिसाल दी थी, रेत वाली छिल्ली। बिल्कुल। अच्छा, अब रेत वाली छिल्ली वाला आपको किधर मिलता है सबसे ज्यादा? कॉलेज के सामने, कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर। छल्ली वाले ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि उसकी मार्केट जो है वो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं। उनके पास पॉकेट मनी भी थोड़ी सी होती है, वो छल्ली अफोर्ड कर सकते हैं। उनको भूख भी लगती है, वो एक्टिव होते हैं, उनको बार बार भूख लगती है, उनको कोई स्नैक चाहिए होता है, और ये क्विक स्नैक चाहिए होता है उनको, जल्दी से थोड़े से पैसों में जल्दी से कोई चीज खरीद के खा ले। वो प्रोडक्ट छल्ली दाने, उसका प्रोडक्ट मार्केट फिट। उसने अपनी टारगेट मार्केट सही आइडेंटिफाई की, और जब आपने आइडेंटिफाई कर ली तो उसने उस मार्केट के बाहर जाके अपनी दुकान लगा ली। यस, राइट। अच्छा, मिसाल के तौर पे मेरी प्रोडक्ट है फोटोकॉपियर की मशीन। बिल्कुल, फोटोकॉपियर की मशीन सबसे ज्यादा करीबी कहां पाई जाती है? कचहरियों के पास। कचहरियों के पास, या क्योंकि कचहरी जाके, या कुछ स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस के पास, या फिर किसी ऐसे इलाके में जहां बहुत ज्यादा ऑफिसेज हो, जहां बहुत ज्यादा इस्लामाबाद में, ब्लू एरिया में, इर्गिर्द आपके जहां बहुत ज्यादा ऑफिसेज हो, वहां आपको कोई एक मिल जाएगा फोटोकॉपियर, राइट। और वो वहां क्यों है? क्योंकि उसको पता है यहां बहुत सारे ऑफिसेज हैं, किसी ना किसी को कुछ फोटोकॉपी करा। आपके नादरा सेंटर्स, गवर्नमेंट की ऐसे जो जगह हैं जहां पे आपको पेपर वर्क चाहिए, वहां एक फोटोकॉपियर जाके दुकान खोल ले। पासपोर्ट का जो दफ्तर है उसके पास आपको जरूर मिलेगा। अब वो क्या देख रहा है? वो यही देख रहा है कि उसकी मार्केट एग्जैक्टली कौन है, जो वो काम करना चाहता है, वो खरीदने वाला, उसको पैसे देने, उसके लिए पैसे देने वाला, उसके लिए पे करने वाला, वो कहां बैठा है। तो एक पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसमें एकदम से आपने खुशी में फौरन से बिजनेस शुरू कर देना। आपने देखना है कि आपका जो बायर है, जो कंज्यूमर है, वो कौन है, वो कहां बैठा है, आपने उसको पूरा क्रिएट करना है। इसको हम कहते हैं कस्टमर पर्सोना बनाना, कस्टमर का एक खाका बनाना है कि मेरा जो आइडियल कस्टमर है। अब मैं छल्ली वाला, छल्ली वाली अगर हूं तो मैं बनाऊंगी, मेरा जो आइडियल कस्टमर है ना, उसकी उम्र है तकरीबन 8 या 6 साल से लेके 15 साल, ठीक है, और वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकता है, और वो जो है वो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाला है। अब मैंने उसका पूरा एक ड्रॉ कर लिया। इसी तरह अगर मैं बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ खाने का, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, ठीक है, तो मैं कहूँ मैं कोई फूड रिलेटेड बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। अब फूड रिलेटेड बिजनेस में मैं एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करूँ, लोग जो ऑफिस में जाते हैं उनको रोज दोपहर को सोचना पड़ता है आज क्या खाएं, ठीक है, फिर वो या रेस्टोरेंट से डिलीवर कराते हैं, कभी हाइजीन का मसला होता है, कभी पेट खराब होता है, बाहर का खाना खाते हैं, उनको होता है घर का खाना कहीं से मिल जाए और सस्ती प्राइस में मिल जाए। अब मैं आइडेंटिफाई करूंगी कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां ऑफिसेज ज्यादा हैं, ताकि मैं वहां जाके अपनी मार्केटिंग करूं, और ऐसे ऑफिसेज जिनके लोग इतना अर्न कर रहे हों कि वो मेरी सर्विस अफोर्ड भी कर सकें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो इस तरह आप अपनी टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करो, ताकि आप फिर जो कुछ क्रिएट करो वो उस हिसाब से करो। अच्छा मीना, आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी बिल्कुल शुरू में कि पैसा डूबने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि हमारे पास जितना पैसा होता है हम फौरन वो पूरा का पूरा लगा देते हैं। तो क्या कंजूसी करनी चाहिए पैसा लगाने में? देखिए, अब ये इसका कोई एक जवाब नहीं है इस सवाल का, ठीक है, बट मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि पैसा पहले कहाँ लगाना चाहिए। पैसा पहले लगाना चाहिए मार्केट रिसर्च पे। अभी हमने टारगेट सेगमेंट की बात की ना, हमने कहा हमने खाका खींच लिया, हमारी टारगेट सेगमेंट ये है। आपने ये नहीं करना कि अगर आप छल्ली का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप जो है वो 1 लाख छल्ली वाली रेडियां खरीदें, बंदे हायर करें और उनको निकाल दें शहर में, ठीक है। आपने जो भी चीज क्रिएट की आप उसको आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट करके मार्केट में लॉन्च करें। इसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसको कहते हैं लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी। लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी, यानी बहुत हैवी डोज ना दें, बिल्कुल बिल्कुल छोटी डोज के साथ। लीन का मतलब है पतला, कमजोर, कम। लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी ये कहती है कि आप अपनी मार्केट आइडेंटिफाई करें और फिर उस पर मार्केट रिसर्च करें। जो चीज आप बनाना चाहते हैं उसको कम मिकदार में बनाएं और अपनी मार्केट से जाके पूछें कि आया कोई खरीदना भी चाहता है कि नहीं। आप अपने घर में बैठ के, अगर मैं कमीजें बनाना चाहती हूँ, मैं अपने घर में यू नो 50 कमीजें 100 कमीजें एक साथ बना दूं, अभी मुझे पता ही नहीं है कि वो कमीजें खरीदने वाली 20 साल की लड़की होगी कि 40 साल की खातून होगी कि 60 साल की खातून होगी। और अगर मैं 60 साल की खातून को बेचना चाहती हूँ तो उसके जहन में कोई स्पेसिफिक रंग होंगे, कोई डिजाइन होंगे, मुझे उसके हिसाब से बनाना चाहिए। तो मैं थोड़ी मिकदार में चीज बनाऊं, उसको टेस्ट करूं वो चीज बिकती है और उसको कौन खरीदता है, फिर मैं वापस जाऊं, जो मुझे मार्केट से फीडबैक मिला है मैं उस चीज को रीवर्क करूं, रीडू करूं, वो रंग, वो नयापन, वो चीज ऐड करूं, और फिर मैं जाऊं, फिर वापस आऊं, फिर रीडू करूं, फिर मैं जाऊं, फिर वापस आऊं, फिर रीडू करूं, तो थोड़े से फिर ऐसा 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 ऐसा, जब तक मुझे वो मार्केट फिट एग्जैक्टली नहीं मिल जाती, मैं उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट करके एकदम से ना कूदूं।
यानी कि आप कह रहे हैं कि जी मेरे पास तो इतने पैसे हैं कि मैं 5 फोटोकॉपी की मशीनें लगा सकती हूँ या लगा सकता हूँ, और आपने 3 मुख्तलिफ इलाकों में 3 दुकानें ली, 2 एक जगह रखी, 2 बिल्कुल नहीं, आप एक मशीन से, चाहे आपके पास पैसे हैं भी, उनको संभाल के रखें, बचा के रखें और टेस्ट करें, जिसको कहते हैं वाटर्स को टेस्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल, पहले समंदर में एक पांव डाल के देखें तो सही कि समंदर, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें एंटर करें, राइट? आप अपनी मार्केट भी आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट करेंगे, आपको खुद जितनी नॉलेज मिलेगी, हम जब बाहर है ना तो हमें लग रहा होता है हमारे आइडिया से बेहतर कोई आइडिया, बिजनेस एंड बिजनेस शुरू करते हुए ये नहीं सोचता कि ये आइडिया, हम सबका ये यकीन होता है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं ये आइडिया बहुत अच्छा, ये तो बिकेगा। ये गलतियां मैंने भी की हुई है, मैंने भी की हुई है कि कोई चीज़ मैं कहीं गई, मुझे लगी ये चीज़ बड़ी बिकेगी, मैं ले जाती हूँ इस्लामाबाद, और मैं इस्लामाबाद लेके आई और वो बिकी कोई नहीं, क्योंकि मैंने ये रियलाइज ही नहीं किया कि वो चीज़ मुझे पसंद आ रही थी पर्सनली, मगर जिस मार्केट में मैं उसको बेचने की कोशिश करी थी वहां कोई खरीदने को तैयार नहीं था। Exactly. ठीक है, और या आपने मार्केट रिसर्च नहीं की थी कि हो सकता है मीना तारिक से पहले कोई और हो जो ऑलरेडी इस चीज के बिजनेस में पड़ चुका हो, बिल्कुल, और आपने अपने कंपेटिटर का भी के बारे में नॉलेज लेना भी बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। सो वो सारा मार्केट रिसर्च का हिस्सा हो जाता है ना। अगर आप कहीं पे फोटोकॉपी की दुकान लगाना चाहते हैं, पहले वहां जाके देखें कितनी लगी हुई है, फिर देखें वहां ऑफिसेज कितने हैं, फिर उन ऑफिसेज से पूछें काम आपके कितना पास फोटोकॉपियर है कि नहीं, और कितना काम है, आप कितनी फोटोकॉपी कराते हैं, आप इस वक्त पे कितना कर रहे हैं फोटोकॉपी कराने के लिए, फिजिबिलिटी बनाए ताकि आपको पता हो आपने किस प्राइस के साथ किस मार्केट में एंटर करना है, किस प्रोडक्ट या सर्विस के साथ। बिल्कुल ठीक। तो जनाब ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको ज़हन में रखना जरूरी है, बिल्कुल, पैसा डूबने से बचाना है। लेकिन एक और, जी एक और नहीं, मैं सिर्फ रीकैप ही करना चाह रही थी कि नंबर 1 आपने अपनी टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करनी है, आपने ये फिगर आउट करना है आपको खरीदने वाला कौन होगा, उसके क्या मसले हैं, आपने वो कैसे सॉल्व करने हैं, वो कहाँ बैठा है, आपने कहाँ तक उसके पीछे जाना है। ठीक है, नंबर 2 आपने अपनी मार्केट रिसर्च बहुत परफेक्ट करनी है। नंबर 3 लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी, थोड़े से शुरू करें, बिल्कुल, फौरन शोखे ना हो जाए। हमारे यहाँ कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा, पर वो गुड़ आहिस्ता आहिस्ता डालें, चखते चखते, एकदम से ना डाल दें वरना चीज खराब हो जाएगी, चीज खराब होगी, मुड़ के देखा तो गुड़ भी खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मीना थैंक यू वेरी मच, आपकी टिप्स से सब लोग बहुत इस्तेफादा करते हैं और हमें जो फीडबैक मिलता है। आप भी मीना तारिक से अपने बिजनेस के हवाले से, अपने स्टार्टअप बिजनेस के हवाले से कोई मशवरा लेना चाहें, ब्रेकफास्ट एट होम हमारे शो का नाम, इसका फेसबुक पेज है, उसको जाके ढूंढिए और उसमें इनबॉक्स कीजिए, बराए मेहरबानी अपना नाम, अपनी जगह का नाम और अपने बिजनेस के बारे में थोड़ी सी डिटेल जरूर लिखें, और जो भी आप सवाल कर रहे हैं मीना से, मशवरा ले रहे हैं, मीना बहुत खुशी से उसका जवाब आपको इनबॉक्स करेंगी, या आप मेरा जो फेसबुक पेज है तौसीक हैदर, उसमें भी जाके उसमें भी इनबॉक्स कर सकते हैं और सेगमेंट होस्ट के लिए सवाल भेज सकते हैं। You have a great day ahead. Thank you so Meena, much. Thank you very much. हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज के दिन की मुनासिबत से योम यकजहती कश्मीर के हवाले से हमने एक खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया है, अभी आपको एक खुसूसी मेहमान से मिलवाते हैं, रही मेरे साथ। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे। आज हमने यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया है। आप सभी को मालूम है 5 फरवरी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती के इजहार के तौर पे खुसूसी खास दिन मनाया जाता है, और मीडिया से लेकर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, हुकूमत की सतह पे हर लिहाज से पाकिस्तान के हर कोने में कोशिश ही होती है कि दुनिया को बताया जाए कि कश्मीर के दुख में हम भी बराबर के शरीक हैं। आज इस हवाले से हमने सोचा एक ऐसे अपने कॉलीग जो कि पीटीवी के ऊपर एज एन एंकर पीटीवी न्यूज पे आप इन्हें देखते हैं, शाइस्ता सफी को बुलवाया जाए कि जिनकी अपनी कहानी भी भारतीय मकबूजा कश्मीर से शुरू हुई। आप इंडियन हेल्ड कश्मीर में आपकी पैदाइश हुई और अपने जिंदगी के इनिशियल साल वहीं गुजारे, और 1990 की दिहाई में 93 में आपकी फैमिली मूव करके पाकिस्तान माइग्रेट करके आ गई। तो इस हवाले से आज शाइस्ता से हम इनकी कुछ पर्सनल चैलेंजेस की भी बात करेंगे, लेकिन जनरली जैसे कि मैं प्रोग्राम के इब्तिदा में साथियों आपके सामने रख रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर पैदा होना,
बचपन गुजारना, लड़कपन गुजारना, वहाँ पे पलना बढ़ना, क्या चैलेंजेस होते हैं एक नई जनरेशन के कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर, इस हवाले से हम बात करेंगे। वेलकम टू द शो शायस्ता। थैंक यू सो मच तौसीक, एंड इट्स ग्रेट ऑनर टू बी हियर ऑन दिस शो। और आपका सेट माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। हम बात कर रहे थे जैसे कि आपने शुरू किया कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में मकबूजा कश्मीर में पैदा होना, वहाँ पर उस सारे कॉन्फ्लिक्ट में वो दिन गुजारना, ये एक ऐसा चैलेंज, इस तरह सोचना कि देखें, मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि मकबूजा कश्मीर वो एक माँ है कि जिसने मुझे पैदा किया, और पाकिस्तान वो माँ है कि जिसने मुझे पाला है। मकबूजा कश्मीर में मैं पैदा हुई, वहाँ पर जो उस दिहाई में हालात थे, उस अरसे में हालात थे, उसकी वजह से हमें अपना वतन छोड़ना पड़ा। माँ के साथ और अपने बहन भाइयों के साथ हम पाकिस्तान आए। फादर मेरे ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद थे, वो हुर्रियत रहनुमा है यहाँ पर, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में। अपना सब कुछ वहाँ पर छोड़ देना और पाकिस्तान आना, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह हमें वेलकम किया, जितना खुश आमदीद किया, यहाँ के लोगों ने अपने दिल की और अपने घरों के दरवाजे जिस तरह हमारे लिए खोले, वो उस चीज़ में कमी आई कि हमें ये फील नहीं होने दिया यहाँ पर कि हमारे अपने रिश्तेदार नहीं, हमें ये फील नहीं होने दिया कि हम किसी और जगह पर आ गए। हमें बहुत बहुत अपनाइत महसूस हुई पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी जब कोई कॉन्फ्लिक्ट से निकलता है, दिल में उसके कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर रहता है। हमने कश्मीर ज़रूर छोड़ा, लेकिन हमारे दिल ने, हमारे जिस्म ने, हमारे दिमाग ने कश्मीर को कभी नहीं छोड़ा। हमेशा से कश्मीर हमारे दिलों में रहा, हमारी फीलिंग्स में रहा। आपके बचपन की क्या यादें हैं? मुझे बहुत ज़्यादा बचपन अपना याद नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़रूर याद है कि कुछ ऐसी फीलिंग्स की जब मेरे फादर, क्योंकि पाकिस्तान आ गए थे और उनको ढूंढने के लिए जब भारतीय फोर्सेस हमारे घर आती थी, तो मैं अपनी माँ के फेरन, जो मैंने आज फेरन पहना हुआ, इसी तरह का फेरन मेरी माँ ने पहना होता था, और मेरी माँ मुझे अपने फेरन में छुपा लेती थी, क्योंकि आई वाज सो यंग, उनको ये लगता था कि अगर इसको पकड़ के उन्होंने फेंक दिया तो शायद इसको लग जाएगी। तो माय मदर यूज्ड टू पुट मी इनसाइड हर फेरन। तो मुझे सिर्फ इतना याद है कि एक दो बार जब पापा को ढूंढने के लिए भारतीय फोर्सेस आई, तो हम लोगों को घर से बाहर निकाल देते थे, हमें घर के बाहर रखा जाता था ठंड में, और पूरे घर की तलाशी ली जाती थी। तो ये याद अभी भी मेरे जहन में मौजूद है कि अगर मैं कोई ऐसा टीवी के ऊपर सीन देख लूँ, तो आई फील लाइक ये मैं देख चुकी हूँ, ये चीज़, इस चीज़ से मैं गुजर चुकी हूँ। आप अपने वालिद का जिक्र करें, हमें थोड़ा सा बताइए कि उनकी हुर्रियत में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है और वो कौन है? मेरे वालिद गुलाम मोहम्मद सफ़ी, 90s में वो पाकिस्तान यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी तहरीक का आगाज़, वो उन लोगों में शामिल हैं कि जिन्होंने 1987 में जो कश्मीर में इलेक्शंस हुए थे उनमें पार्टिसिपेट किया, और वो इलेक्शन जीते, लेकिन भारतीय रिगिंग की वजह से उनको हरा दिया गया और उनको फिर जेल में डाल दिया गया। मुख्तलिफ़ औकात में पापा को 10 साल तक भारतीय अफवाज ने जेल में इसलिए रखा कि उन्होंने आज़ादी की बात की, उन्होंने अपना मुल्क की बात की, उन्होंने अपने लोगों की बात की। सैयद अली शाह गिलानी को पापा ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में, कन्वीनियर रह चुके हैं ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, इधर पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर शाख के। पूरी ज़िंदगी उन्होंने सेक्रीफाइस की, अपनी फैमिली उन्होंने सेक्रीफाइस की। मेरे फादर ने मेरा बचपन नहीं देखा, मैंने अपने फादर को कभी अपने स्कूल के इवेंट्स में नहीं देखा, मेरे फादर को ये नहीं कभी पता था कि उनकी बेटी किस क्लास में है, किस स्कूल में है, कहाँ पढ़ती है। ये सारी जिम्मेदारी मेरी माँ ने संभाली थी, पापा ने, मेरे फादर ने तमाम जो है ये तहरीक का काम, हमने कभी उनको घर पे बहुत ज़्यादा नहीं देखा, जब देखा तो फिर उनको पढ़ते देखा, लिखते देखा, कश्मीर के हवाले से ही बात करते देखा। तो हमने अपनी ज़िंदगी जो है फादर को सिर्फ एक तहरीकी इंसान के तौर पे देखा, एक फादरली फिगर के तौर पे हमने उनको कभी नहीं देखा, लेकिन वी टुक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। अगर मैं आज कश्मीर की बात करूँ, अगर मेरी रगों में, मेरे खून में, मेरे जज्बे में कश्मीर शामिल है, इट्स बिकॉज ऑफ माय फादर। मैंने देखा कि एक आदमी कितनी डेडिकेशन के साथ कश्मीर के हवाले से काम कर रहा है कि उसने अपनी फैमिली भी कुर्बान कर दी, उसने फैमिली की तरफ भी ध्यान नहीं उतना दिया कि जितना एक फादर को देना चाहिए, लेकिन उस चीज़ से मैं उनसे दूर नहीं हुई, उस चीज़ से मैं उनके ज़्यादा करीब आई कि एक इंसान कितना डेडिकेशन शो कर सकता है अपने वतन के लिए। शायस्ता, एज अ कश्मीरी एक्टिविस्ट, अब आप बड़े फख्र से कहती हैं कि मैं कश्मीरी एक्टिविस्ट हूँ, एक्टिविस्ट की एक ड्रीम होती है जिसके लिए वो एक्टिविज्म करता है। बिल्कुल सही। आपकी नस्ल जो कश्मीरी नौजवानों की नस्ल है, आपकी आइडियल कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से क्या ड्रीम है जो आप चाहती हैं आप अपने लाइफ टाइम के अंदर वो ड्रीम
تعبیر ہوتے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی تو ایک خواب ہے، تو ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر خواب کی ایک تعبیر ہوتی ہے. اگر ہم ایک ایکٹیویزم کے اس فیلڈ میں آئے ہیں، اگر ہم کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، تو ہمارا ذہن بالکل کلیئر ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے. بھارت جو وہاں پر ایک قابض ہے، ہم اس کو وہاں پر نہیں دیکھنا چاہتے. ہمیں خدا نہ خواستہ ہمیں بھارت سے نفرت نہیں ہے، ہمیں بھارتی لوگوں سے نفرت نہیں ہے. بہت سارے وی ہیو مینی انڈین فرینڈز جو ہم سے بات کرتے ہیں، کشمیر کے حوالے سے پوچھتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں بہت فرینڈلی انداز میں، سوشل میڈیا کے تھرو پرسنلی بھی ہم لوگ ان سے ملتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمیں بھارت سے ایز نفرت ہے، لیکن جو ان کے وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں، جو ایک قابض افواج انہوں نے وہاں پر 7 لاکھ سے زائد رکھی ہوئی ہے، ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ ان کو نکالیے، آپ لوگوں سے پوچھیے. تو اس ایک ڈائلما یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا جو ایک مسئلہ ہے، جو کہ بھارت خود یونائٹیڈ نیشنز میں لے کر گیا، ڈائلما یہ ہے کہ ہمارے پاس سولوشن پہلے آ گیا، دنیا کے سامنے کشمیر کا مسئلہ بعد میں پیش ہوا. دنیا تو آپ جانتی ہے نا کہ کشمیر کا مسئلہ ہے. 1947-48 میں ہمارے پاس سولوشن آ گیا تھا کہ آپ لوگوں سے پوچھیے، پلیبسائٹ، آپ کشمیری لوگوں سے پوچھیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو سولوشن تو ہمارے پاس آلریڈی ہے. جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اس میں بہت ٹائم لگے گا، کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. ضد چھوڑ دے بھارت اپنی، کشمیریوں سے پوچھ لے. اگر فار انسٹنس کشمیری یہ کہہ دیتے ہیں ان کے کہ ہم میجورٹی آف دا کشمیریز کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کا جو قانون ہے اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا وشز آف پیپل، جو کشمیری لوگ چاہیں گے وہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے. تو پاکستان از آلویز سے دیٹ، تو یونائٹیڈ نیشن بھی یہی کہہ رہا ہے. تو لیکن یہ جو اسٹمنس ہے بھارت کی طرف سے کہ اگر پلیبسائٹ ہو جائے، لوگوں سے آپ پوچھیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تو ول گیٹ ٹو نو. لیکن وہی چیز کہ بھارت جانتا ہے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کشمیری ایکٹیوسٹ ہیں. بریکفاسٹ ایٹ ہوم پہ آج یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہم نے سوچا کہ شائستہ کو بلائیں اور ذرا اس جنریشن سے، خاص طور پہ وہ جنریشن جو کہ مائگریٹ کر کے بائی چوائس نہیں بلکہ مجبوراً آئے اور یہاں پہ رہنا شروع کیا، وہ کشمیر کے کانفلکٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کا حل کیا دیکھتے ہیں. جیسا کہ شائستہ نے ہمیں بتایا کہ حل تو کانفلکٹ سے پہلے حل سامنے آ چکا تھا 1947-48 کے اندر، فوراً بعد ہی جب یونائٹیڈ نیشنز اقوام متحدہ میں بھارت خود یہ مسئلہ لے کے گیا. اور ایک لاجیکل سولوشن بھی یہی ہے کہ بھائی جن کا مسئلہ ہے ان سے پوچھ لو، انہوں نے اس کا کیا حل کرنا ہے. لیکن آبویسلی یہ پولیٹیکل جو کانفلکٹس ہیں دے ٹیک ٹائم، اور یہی ہوتا ہے کہ مختلف پاورز جو اپنے انٹرسٹ کو واچ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کے اندر جو جن کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے ان کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو شائستہ صفی ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ ہمارے لیے کشمیر کے کچھ خوبصورت آرٹسنز اور آرٹس اینڈ کرافٹ کے کچھ نمونے بھی لے کے آئی ہیں، آج وہ بھی آپ کو دکھانے ہیں. رہی میرے ساتھ. بریکفاسٹ ایٹ ہوم کے سیٹس پہ آج یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہم نے خصوصی نشست کا اہتمام ساتھیوں کا رکھا ہے، جس میں شائستہ صفی جو کہ ایک کشمیری ایکٹیوسٹ ہیں، پی ٹی وی نیوز کی اینکر بھی ہیں، اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کا ایک خاص ویو ہے، ایک خاص پرسپیکٹیو ہے، جو کشمیر میں انسانی حقوق کے حوالے سے پامالی ہوتی ہے، وائلیشنز ہوتی ہیں، اسی حوالے سے ہم بات کرتے چلے آئے ہیں، آگے بھی کریں گے. لیکن اس سیشن میں میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو بات شروع کریں گے، آپ نے اتنا خوبصورت جو ڈریس پہنا ہوا ہے اس کا ذکر بھی کر رہی تھی، یہ والی کڑھائی ہاتھ سے بھی ہوتی ہے اور مشین سے بھی؟ بالکل، اس کو تلے کا کام کہتے ہیں، پہنا ہوا ہے اس کو فیرن بولا جاتا ہے کشمیر میں، اور یہ اٹ از اے ویری ٹریڈیشنل کشمیری جو ڈریس ونٹر سردیوں کے لیے، یہ گرم کپڑے کے اوپر خاص طور پہ بنایا جاتا ہے، اور اس کا جو کام ہے تلے کا کام کشمیر میں بہت، ہمارے جو علاقوں کے لوگ ہیں فیرنس کے اوپر تلے کا کام، شالس کے اوپر تلے کا کام، مردوں کے لیے الگ ہوتا ہے، خواتین کے لیے فیرن الگ ہوتا ہے، مردوں کے لیے ان کی کیپ بھی ہوتی ہے ساتھ تاکہ اس کو کور کر سکے، کیونکہ کشمیر میں اٹس لائک مائنس میں ان کا چلا جاتا ہے اور برف کافی ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے سردی سے
लेकिन थोड़ा सा ट्रेडिशनल भी और थोड़ा सा उसको अच्छा लुक देने के लिए भी काम उसके ऊपर खास तौर पर किया जाता है। और इसको फेरन कहते हैं, इसको और ये फेरन जो है ये पाकिस्तान के भी जो सर्द इलाके हैं उनमें भी इस्तेमाल होता है, आजाद कश्मीर में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत सारी शॉप्स के अंदर अवेलेबल है, इस्लामाबाद में फेरन्स का जो है बिल्कुल पहनते हैं। उसके ऊपर मुख्तलिफ कढ़ाई, मुख्तलिफ जरूरी नहीं है कि तिले का हो, हाथ की कढ़ाई का काम, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बैग है, इस तरह की कढ़ाई के सूट्स आजकल बहुत इस्लामाबाद में भी मिल रहे हैं, मकबूजा कश्मीर से यहाँ पर भेजा जाता है। इसको आरी का काम कहते हैं। इसी तरह के हमारे पास मकबूजा कश्मीर से जैसे भी हैव लॉट ऑफ जो वहाँ के पश्मीना मशहूर है वहाँ का। हिलरी क्लिंटन ने अपने जो इलेक्शन की कैंपेन हुई थी उसके ऊपर कश्मीर का कोट पहना था, पश्मीना कोट, और उसको प्रमोट किया था उन्होंने हमारे पश्मीना को। तो मकबूजा कश्मीर में पश्मीना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसके ऊपर कश्मीरी कढ़ाई का काम मर्द हजरात भी पहनते हैं और ख़वातीन। अब मुख्तलिफ कलर्स में अब उसको थोड़ा सा जिद्दत देने के लिए अब वी हैव लॉट ऑफ कलर्स उस शॉल के अंदर। ऐसा ये बताएं कि एक आम इस तरह की जो हाथ की कढ़ाई और इन चीज़ों के बारे में एक आम तासर ये भी है कि अब जब से मशीनों की टेक्नोलॉजी आई है वो बहुत ही सफाई और बहुत ही जल्दी काम हो के मशीनों का, तो हाथ की कढ़ाई और सारे काम के जो आर्टिसंस हैं जो माहिर हैं वो अब अगली जनरेशंस में ये आर्ट मुश्किल हो रहा है। करे, लेकिन देखें आप दोस्ती जितना भी हम मशीन का काम देख लें लेकिन जो एक वो हाथ का काम होता है ना, आप देखेंगे किसी भी चीज के ऊपर अगर टैग लगा हो मेड बाय हैंड तो आप उसी की तरफ फौरन जाएंगे कि इसके अंदर मेहनत लगी होगी, इसके अंदर प्राइसेस अब इतनी मेहनत का काम है। और वहाँ पर इस कॉन्फ्लिक्ट में रहकर, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में रहने के बाद आप देख रहे हैं कि इन लोगों में जज्बा जीने का, दे लिव, उनको पता है कि ये उनका काम है, ये उनका ये ट्रेडिशन है, ये कश्मीर का जो रंग है ये पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। उस इलाके में रह के, इन हालात में रह कर भी वो ये सारा काम उन्होंने जारी रखा हुआ है, तो हमें उस चीज़ को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। एग्जैक्टली और बिल्कुल इसी तरह की ये शायस्ता हमारे लिए जनाब ये नर है। हम कश्मीरी क्योंकि बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, जब उनके घरों में उनकी शादियों पे मेहमान आते हैं और जब मेहमानों ने हाथ धोना हो तो वो उठ के खड़े नहीं होते, इसमें पानी लाया जाता है और जो आपके पास ये तश पड़ी हुई है इसके अंदर उनके हाथ धुलाए जाते हैं। उनको खड़ा नहीं, उनको कहीं भेजा नहीं जाता कि आप जाइए और हाथ धोइए, उसमें पानी डाला जाता है नर में और इसके अंदर पोर किया जाता है और हाथ धुलाए जाते हैं मेहमानों के। किया जाता है, और उसमें मेहमान के हाथ धुलाए जाते हैं। और ये आपको बताते चले कि ये इतने छोटे साइज में नहीं होते, सिंपल, हाँ ये बस एक डेकोरेटिव मॉडल है, लेकिन असल में इसका साइज फुल साइज होता है ताकि पूरे मेहमानों को आप पानी दे, वो बैठते हैं नीचे और उनको मेहमानों को पानी दिया जाता है। इसकी भी वजह सर्दी है कि सर्दी में बाहर जाके यू नो गुस्ल खाने में जाके हाथ धोना करना वो तो वहीं पे एक सर्दी का भी और एक ही कि मेहमान को रिस्पेक्ट देना, अच्छा, क्योंकि बहुत मेहमान नवाज लोग हैं कि खड़े हों और बाहर जाएं वो अपनी जगह पे बैठे हैं। आप तकलीफ ना करें, इधर हम आपको हाथ दिलाएं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी ये बताइए, ये देखिए तो ये हमारी है समावार, ये आप ये जी। चाय, क्योंकि हम बहुत शौकीन हैं चाय के, कश्मीरी चाय के। कश्मीरी चाय आप देखेंगे कि इसके बीच में ये जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन के अंदर कोयला डलता है और इसके जो इर्द गिर्द है चाय डाली जाती है, इसके अंदर कोयला और इसके इर्द गिर्द चाय, ताकि चाय गर्म रहे। मेहमान को आप जब भी दें चाय सर्व करें तो उसको गर्मा गर्म आप चाय सर्व करें, ये नहीं कि आप बार बार जा रहे हैं किचन में और उसको चूल्हे पे गर्म कर रहे हैं। हम इसी समावार में रखते हैं और कोयला बीच में रखते हैं और चाय को गर्म गर्म मेहमान के सामने प्रेजेंट करते। अच्छा ये मुझे बताएं जनाब की जो कश्मीरी चाय होती है ये ऑथेंटिक असल में मीठी होती है या नमकीन होती है? हम उसको नून चाय बोलते हैं अपनी जुबान में। तो ये चीनी क्यों डाल के पीते हैं ये? अब थोड़ा सा तो जब किसी और जगह आपका कल्चर चला जाता है तो उसके अंदर मिक्सचर लाजमी हो जाता है। जो हमारी चाय है कश्मीरी चाय, जिसको कश्मीर में हम लोग नून चाय बोलते हैं, नून नमक, तो हम जो नमकीन चाय और पिंक ही होती है वो, और उसके अंदर अगर आम दिनों में हम पी रहे हैं तो खाली बस चाय और नमक डाल के, और अगर कुछ ट्रेडिशनल है तो उसके अंदर फिर हम लोग बादाम और ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा नारियल साथ रख लेते हैं, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट साथ रख लेते हैं, लेकिन नॉर्मली सिर्फ नमकीन चाय। अभी ऐसे में अपनी प्रेजेंटेशन में हमें खानों की जो लिस्ट बता रहे थे उसके साथ अब मुझे लग रहा है कि आज हमने कोई एक कश्मीरी डिश घर में साथियों बनानी भी है, लेकिन साथ साथ अब कश्मीरी चाय, नमकीन चाय। अच्छा वैसे जो भी ऐसे में सारी डिश बता रहे थे आपको, इनमें से कौन सी देखिए वाजवान जो है ना, वाजवान में तो जितनी भी डिशेज हैं, क्योंकि वाजवान हम कहते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल कश्मीरी शादियों पे, क्योंकि हमारी जो शादियाँ होती हैं मकबूजा कश्मीर में
वो सिर्फ एक दिन का फंक्शन नहीं है, वो बहुत दिनों के ऊपर मोहित है. तो वाजवान जो है उसके अंदर इट्स ऑलमोस्ट कम्प्राइज ऑफ 30 or 32 डिशेज. तो उसके अंदर हमारे गुश्ताबा भी आ जाता है, तबक माज आ जाता है, रिश्ता आ जाता है, मेथ माज आ जाता है. ये मैं सारे कश्मीरी में आपको नाम बता रही हूँ. तो ये तमाम डिशेज जो है, इन सब में से जो मेरी फेवरेट है उसको फुल स्टॉप ऑफ द वाजवान कहा जाता है, गुश्ताबा, जो कि एंड पे आता है. इट्स बड़ा मीट बॉल, गोश्त और सिल्क के ऊपर इसको पीसा जाता है. नहीं इसे वाजा इस बना सकते हैं क्योंकि इसको बहुत, इसके ऊपर बहुत मेहनत लगती है. इसके गोश्त को बहुत पीसना पड़ता है हाथ से, सिल पे उसको पीसना पड़ता है और उसके बाद दही के अंदर इसको पकाया जाता है. तो ग्रेवी तो इसकी बनाई जा सकती है लेकिन मीट बॉल्स बनाना मुश्किल है. और इसके भी ऑथेंटिक शेफ्स होंगे ना? बिल्कुल, कश्मीरी जो हमारे शेफ्स हैं, खासतौर पर अगर कश्मीर की शादियों की बात की जाए तो वाजा को बुलाया जाता है और वो शुरू दिन से वो तैयारी करता है इसके ऊपर. और जो हमारे वाजा हैं उन्हीं के पास ऑथेंटिक इसकी डिशेज है. लेकिन अब बहुत सारे लोगों ने अपनी जो रेसिपीज हैं वो शेयर भी किए लोगों के साथ. अच्छा जी, ये ब्रेक पे जाने से पहले ये एक और चीज है जो मैं बताना चाहूंगा और ये मैंने भी बचपन में यूज की हुई. इसको कश्मीरी में कांगर बोलते हैं, यहाँ पे मोस्टली इसको कांगड़ी के, हाँ हम उसको कांगर बोलते हैं. और इसके बीच में भी कोयला डलता है. ये आप इसको समझ लें कि इट्स अ मोबाइल हीटर. मोबाइल हीटर है ये. अंदर ये जो आपको जनाब जो जगह नजर आ रही है इसमें मट्टी का एक आप समझे कटोरी प्याला, इसके अंदर कोयला रखा जाता है. कोयला और मोस्टली अगर आप देखेंगे ना कश्मीरियों को तो उन्होंने ये फेरन ये पकड़ते हैं, कोयला रखते हैं इसके बीच में और फेरन के अंदर ये रखते हैं. और बहुत सारे लोगों के फेरन जल जाते हैं लेकिन फिर भी वो इससे बाज नहीं आते. मुझे याद है हमारे बचपन में, क्योंकि मेरा बचपन रावलपिंडी में गुजरा और उस जमाने में यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी हुआ करती थी, तो हमारे नेबर्स में कश्मीरी फैमिलीज थी एक दो और वो जनाब कांगर हमें ला के दिया करते थे. और हमारी अम्मी कंबल के रजाई के अंदर कांगर इस्तेमाल किया करती थी और एक दफा रजाई जल गई. ये बहुत डेंजरस है. बहुत जरूरी होता है क्योंकि है बहुत अच्छी चीज लेकिन इसके साथ बहुत एहतियात करनी पड़ती है. एग्जैक्टली. लेकिन आप देखें कि इंसान ने अपने लाइफस्टाइल के साथ किस तरह चीजें इनोवेट की हैं और इजाद की हैं. शास्ता हमारे साथ मौजूद हैं. आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से कुछ हम कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, उसके सोल्यूशन की बात कर रहे हैं. शास्ता जैसे हमारे दोस्त जो कि कश्मीर में पैदा हुए, बचपन वहाँ गुजरा लेकिन हालात से मजबूर होकर इंसानी हकूक की पामाली के जो वाक़यात आप सुनते चले आते हैं उनकी नज़र होके ये पाकिस्तान माइग्रेट करके अपनी फैमिली यहाँ पे आई. अब ये पाकिस्तान में एज ए कश्मीरी एक्टिविस्ट काम कर रही हैं पाकिस्तान टेलीविजन पे, एज ए न्यूज़ एंकर, एज ए शो होस्ट भी काम कर रही हैं. तो हमने सोचा कि शायस्ता से साथ साथ ज़रा लाइफ स्टाइल के हवाले से भी चीज़ें शेयर करें. एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शास्त्र से गुफ्तगु का सिलसिला जारी. एक बार फिर आपको हम खुश आमदीद कहेंगे. शाइस्ता सफ़ी हमारे साथ मौजूद है जो कि एक कश्मीरी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और कश्मीर का जो मसला है उसको दुनिया के सामने उजागर करने के लिए आज यौम यकजहती कश्मीर साथियों मनाया जा रहा है. पाकिस्तान में हर जगह सरकारी सतह पे भी, प्राइवेट सतह पे भी, और NGOs, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया बढ़ चढ़ के इस आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाने में एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर खड़ा है. शाइस्ता, इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर में यूथ है, आप ये बताइए कि वो जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और एक जो खौफ की कैफियत है उसके अंदर किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, खेलों के मैदान में, तालीम के मैदान में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस, यूथ को आप कैसा देख रही हैं मकबूजा कश्मीर? देखिए तो सी, जैसे हम मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम सुनते हैं कि मकबूजा कश्मीर में नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, वहाँ पे बुलेट्स यूज़ किए जा रहे हैं, पैलेट्स यूज़ किए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं. लेकिन इसके बावजूद जो देखने की चीज़ है और जो सबक लेसन लेने की चीज़ है कि इस तमाम सिचुएशन में रहने के बावजूद वहाँ का बच्चा, वहाँ का नौजवान, वहाँ की ख़वातीन जी रहे हैं, दे आर रेजिस्टिंग, वो सर्वाइव कर रहे हैं. और किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं? अपनी तालीम के ज़रिए. वहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा है. वहाँ पर लोग जो हैं, कर्फ्यू अगर है
कर्फ्यू में भी वो लोग अपने ही इलाके में कोई एक जगह पॉइंट फिक्स करेंगे कि हमें अगर हमारे स्कूल बंद है लेकिन हमें मस्जिद में चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर जमा हो जाएंगे पढ़ने के लिए. पढ़ने का वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है. ये शौक आज से नहीं है, ये हमारी मतलब हिस्ट्री में रहा है कि कश्मीरी जो है इनको सीखने का बहुत शौक है, पढ़ने का बहुत शौक है, लिखने का बहुत शौक है. इसी तरह खेलों के मैदान में अगर देखें तो हमारे इस कन्फ्लिक्ट में रहने के बावजूद भी हमारे क्रिकेट टीम्स हैं, हमारी फुटबॉल टीम्स हैं, वहाँ पर लड़कियाँ बैडमिंटन खेलती हैं, वहाँ पर लड़कियाँ घरों के अंदर जो गेम्स खेली जाती हैं वो तक खेलती हैं. लेकिन उन्होंने अपने आप को सिर्फ उस वो मजबूर और लाचार प्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम सर्वाइव कर सकते हैं, हम सिर्फ विक्टम्स नहीं हैं, हम सर्वाइवल्स हैं. तो जब पाकिस्तान का मैच होता है ख़ासतौर पर क्रिकेट का मैच, तो कश्मीरी जो है नौजवान वो वहाँ पर जमा होते हैं, वो एक जगह बैठ के देखते हैं वो मैच, और अगर थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची तालियां बजा दें तो फिर उनको अगले दिन भुगतना भी पड़ता है. लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के हक में अगर तालियां बजा, जाहिर बात है वो पाकिस्तान के हक में. अगर आपको याद हो शाहिद आफरीदी ने जो एशिया कप में बांग्लादेश में छक्का लगाया था, 62 कश्मीरीज वर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, इंडिया की यूनिवर्सिटी से, क्योंकि उन्होंने तालियां और सीटियां बजाई थी जब शाहिद आफरीदी का छक्का लगा था इंडिया के खिलाफ. तो कश्मीरी जो है वो क्रिकेट का मैदान हो, वो तालीम का मैदान हो, वो पॉलिटिकल मैदान हो, जब कभी वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो अगले दिन उनको भुगतना पड़ता है. लेकिन उसके बावजूद उनकी जो मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ वो दीदनी होती है. तो कश्मीरियों, जैसे आपने पूछा कि यूथ, वहाँ पर यूथ जो है पढ़ाई के मैदान में, बिज़नेस के मैदान, अब क्योंकि ऑनलाइन, लेकिन वहाँ पर कभी कभार हमारा इंटरनेट गैग हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद ऑनलाइन बिज़नेस लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है. कश्मीरी आर्टिफैक्ट्स का, आर्टिजन्स का, हमारे फेरेंस का, हमारे शॉल्स का, उन लोगों ने ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, जो पूरी दुनिया के साथ, कुछ लोगों ने अमेज़ॉन के साथ भी स्टार्ट किया हुआ है. तो अपना जो ट्रेडिशन है उसको, कुछ लोगों ने अपना जो हमारा ड्राई फ्रूट है उसको ऑनलाइन वो लोग बेचते हैं, हमारी जो शॉल्स हैं, हमारी जो पश्मीना है उसको ऑनलाइन, जो कश्मीरी ड्रेसेस हैं, इस तरह की चीज़ों को. और कुछ लोगों ने यूट्यूब के साथ अपनी वीडियोस ऑनलाइन शेयर करते हैं. नौजवानों ने अब जो हमारे पुराने गाने हैं, जो हमारे सिंगर्स हैं, उनके गानों को रिमिक्स करके अपने नए म्यूजिक के साथ, अपनी नई आवाज़ के साथ दुनिया के सामने जो पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी जो म्यूज़िक है, खासतौर पर हमारा जो पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक के जो बैंड्स हैं, इनकी किस तरह की फॉलोअरशिप? बहुत ज़्यादा पाकिस्तान टेलीविजन की, पाकिस्तान के ड्रामों की बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है. जब, मज़े की बात आपको ये बताऊं कि जब पाकिस्तान में स्टार प्लस का क्रेज़ एक स्टार्ट हुआ था कश्मीर में, तब भी पाकिस्तान के ड्रामों का ही क्रेज़ था. यहाँ पर तो इंडिया के ड्रामे देखे जा रहे थे, लेकिन कश्मीर में तब भी पाकिस्तान के ड्रामे देखे जा रहे थे. तो वहाँ पर पाकिस्तान का कल्चर, आपका कोक स्टूडियो, आपका म्यूज़िक, आपके जो गाने हैं, नुसरत फ़तेह अली खान के गाने हो गए, नूरजहाँ के गाने हो गए, अब आतिफ असलम के गाने हो गए, ये एक पूरी जनरेशन दर जनरेशन जो है वो अब फॉलो किया जाता है. यहाँ की पॉलिटिक्स को फॉलो किया जाता है. अब प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा वहाँ पर कैप्टन रह चुके हैं, उनके फॉलो किया जाता है, उनके नाम के मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, इमरान खान के नाम के मुख्तलिफ ब्रांड्स मकबूज़ा कश्मीर में मौजूद हैं. तो हर चीज़ को यहाँ पर आप देखेंगे कि मकबूज़ा कश्मीर में पाकिस्तान की वो चीज़ें जो कि शायद आप लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मकबूज़ा कश्मीर में उनको चेरिश किया जाता है, उनको उनको वो अपना महसूस करते हैं, उनको लेते हैं. यहाँ के ड्रामा, यहाँ का कल्चर, यहाँ के ड्रेसेस, यहाँ के जो मैं आज कश्मीर का ड्रेस पहने हूँ, लेकिन मकबूज़ा कश्मीर में लोग पाकिस्तान के फैशन को फॉलो करते हैं. यहाँ पर जब लड़कियाँ लॉन्ग शर्ट्स बनवाती हैं तो कश्मीर में भी ट्रेंड चेंज होता है, जब यहाँ पे शॉर्ट शर्ट होती है तो कश्मीर में भी ट्रेंड चेंज होता है. तो यहाँ के फैशन को फॉलो किया जाता है, यहाँ के लिटरेचर को फॉलो किया जाता है, यहाँ के शोरा को पढ़ा जाता है, फैज़ को बहुत पसंद किया जाता है, अलामा इकबाल को तो पढ़ा ही बहुत जाता है. उर्दू ज़बान, एक वक्त था कि मकबूज़ा कश्मीर में जो घड़ियों के ऊपर वक्त है वो भी पाकिस्तान के साथ ही मैच किया जाता था. आज हम यौम यकजहती की बात कर रहे हैं, तो अगर हम ईद और रमज़ान का जो चांद देखा जाता है तो तब तक कश्मीर में ऐलान नहीं होता जब तक कि पाकिस्तान के पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर ऐलान ना हो जाए. तब तक मकबूज़ा कश्मीर में ईद और रमज़ान का ऐलान नहीं होता है, यहाँ के साथ ही वो होता है. तो ये सिर्फ यकजहती जो हम सिर्फ एक दिन 5 फरवरी मनाते हैं, कश्मीर 365 दिन मनाता है. वाह 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 वाह, आई एम स्पीचलेस. आपने इतने खूबसूरत अंदाज में, मेरी आंखें नम हो गई कि मैंने जिस तरह से शायस्ता आपने वो पूरी वहाँ की जिंदगी हमारे सामने रखी है, इट्स अनबिलीवेबल. और सबसे जो खूबसूरत बात आपने की वो ये कि हम तो शायद साल में एक दिन मनाते हैं और कश्मीर की बात करते हैं, जो मकबूज़ा कश्मीर के रहने वाले हैं वो पूरा साल अपने आप को आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान के साथ रिलेट. आखिर में मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि
कहते हैं हर मसले का हल है, क्या क्या कोई इनोवेशन की जा सकती है, क्या ऐसा किया जा सकता है कोई यंगस्टर्स, कोई इंडिया के यंगस्टर्स, कोई पाकिस्तानी यंगस्टर्स, कोई कश्मीरी यंगस्टर्स मिलके, अक्सर बात होती है कि जी पैरेलल कोई कॉरिडोर बनाया जाए, अगर पाकिस्तान की सरकार और भारतीय सरकार जो है वो एक लेवल पे आके चलो एक हेड ऑन हो गए हैं, बात आगे नहीं बन रही, क्रैक नहीं हो रहा, अखरोट नहीं तोड़ा जा रहा कि उसमें से नट निकले, फंस गया है ना, गुंजल पड़ गई है, डोर उलझने पड़ गई है, नहीं निकल रही। क्या आप समझती हैं कि आज का नौजवान जो है, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारी जनरेशन से ज्यादा आपकी जनरेशन जो है वो शौर रखती है, क्या कोई पैरेलल कम्युनिकेशन का कोई कॉरिडोर आप समझती हैं कि इन सब सियासतों से हट के कश्मीर का कोई सलूशन? देखिए, ये बहुत बार ट्राई किया जा चुका है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हम भारत के भी यंगस्टर्स के साथ वी आर इन टच विद देम, हम उनके साथ बात करते हैं, बहुत सारी भारत के अंदर से भी आवाज़ें अब आ रही हैं कि कश्मीर को आज़ादी दो, कश्मीर में जो हो रहा है गलत हो रहा है, तो उन लोगों के साथ हम जिस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, मेरा एक फोरम है यूथ फोरम फॉर कश्मीर, हमने भी पाकिस्तान की यूथ, आज़ाद कश्मीर की यूथ, मकबूज़ा कश्मीर की यूथ, भारत की यूथ, इंटरनेशनली जो जो लोग हमारे साथ जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हमने उनको इन्वॉल्व किया कि आइए लेट्स हैव अ डायलॉग, हम आपस में पहले बात करते हैं, हम समझते हैं, हम आपको समझाते हैं कि मसला है कश्मीर है क्या, उसके बाद बी द एडवोकेट्स, आप लोग फिर अपने अपने जगहों पर जाके आप एडवोकेसी कीजिए कश्मीर के हवाले से, तो थिंग्स आर बीइंग डन। यूथ के हवाले से आपको बताऊं कि सोशल मीडिया जब से अब इट्स इन थिंग, तो तब से कश्मीर के ऊपर काफ़ी यंगस्टर्स जो हैं वो बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बात हो रही है, लेकिन फिर बात वहीं पर आ जाती है कि यूथ कितना एम्पावर है कि वो पॉलिसीज़ के ऊपर असरअंदाज हो। हम तो बात करेंगे, हमने तो अपने साथ लोगों को भी शामिल किया, लेकिन फिर आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्या वो चीज़ पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है क्या? लेकिन सोशल मीडिया की अगर सोशल मीडिया पे सोल्यूशन ओरिएंटेड आवाज उभरे, बिल्कुल, तो मेरे ख्याल है पॉलिसी लेवल पे भी मजबूरी, तो अगर हम ये देखें कि जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से अगर आज न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर अगर कश्मीर की बात की जा रही है, द गार्डियन के ऊपर, अल जजीरा अगर पूरी वीडियोज बना रहा है कश्मीर के ऊपर, तो ये सोशल मीडिया के ऊपर जो कश्मीरी यूथ और पाकिस्तानी उसी आवाज का रद्द अमल है कि इन लोगों को लिखना पड़ रहा है, आज लोगों को बोलना पड़ रहा है, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, तो यूथ और सोशल मीडिया के पावर ही है वो लोग मजबूर हो रहे हैं बात करने पे। शायस्ता सफी, थैंक यू वेरी मच, खुश रहे, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और थैंक यू सो मच कि कश्मीर को एक मुख्तलिफ तरीके से आपने लोगों के सामने प्रेजेंट किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना बहुत सा ख्याल रखें, आज यौम यकजहती कश्मीर है, और एसएमए ने और शायस्ता ने जो कश्मीरी खानों की डिटेल बताई उसमें से कुछ एक आपने चुनना है, कश्मीरी चाय विद नून चाय, लेकिन नमक के साथ, वो खाना भी डिश भी पकानी और कश्मीरी चाय नून चाय यानी नमकीन, उसमें चीनी नहीं मिला देनी, असली जो उसकी रेसिपी है उसमें हमने कश्मीरी चाय पीनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।